और इन लोग COVID-19 के जो पेशेंट हैं उनको उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं उनकी उनके। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं चलन मारा राइट फॉर गाइड में आप सभी का स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 5:32, फ्रेश अप हो लिया है और चलते हैं माँ विंध्यवासिनी देवी जो टेम्पल है वहाँ के दर्शन करते हैं और देखते हैं और कोई स्पॉट होगा तो वो भी आज ही के एक्सप्लोर करके यहाँ से 10:30-11 बजे तक यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। तो ये बन गई है अपनी चाय, यहाँ भी ताज है, वाह ताज ऐसे, और पूरा सामान बिखरा है देख सकते हो, उसका चार्जिंग वार्जिंग ऐसे लगा के रख दिया था, बाकी अब देख सकते हो रूम ऐसा है। तो गाइस चलिए चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फ्रेशन अप, मतलब नहाना है और नहाने के बाद जाना है दर्शन करने, दर्शन करने के बाद फिर चलिए मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। गाइस वेलकम बैक, और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ सैम मिर्जापुर में, मिर्जापुर का तीसरा ब्लॉग है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर जो टेम्पल है माँ विंध्यवासिनी का, उसके बाद एक दो चीज़ यहाँ से करके फिर देखते हैं। और ये जो आप होटल देख रहे हो ये गेस्ट हाउस है यूपी टूरिज्म का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। और चलिए चलते हैं दर्शन करके आते हैं और एक बार आपको होटल के अंदर का लॉबी का टूर करा देते हैं। ये है कुछ यहाँ से गेस्ट हाउस ऐसे है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पुराना गेस्ट हाउस है यहाँ का ये, और बाइक वगैरह अंदर पार्क है सेफली। तो चलिए चलते हैं मंदिर के दर्शन करके आते हैं। यहाँ पर ऐसे मैप लगा ही पूरा, तो मंदिर की दूरी है 500 मीटर है तो वो कराते हैं। और ये लोग COVID-19 के जो पेशेंट हैं उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं उनकी, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, ये पुरंदर स्टाफ है आप भी ये सारा इनका ये पूरा स्टाफ सफाई कर्मी हम लोग हैं। अच्छा जी, लोग सफाई कर्मी हैं, भाई साहब ड्राइवर साहब हैं ये, और ले जाते हैं अच्छा पेशेंट को नहीं, अच्छा अच्छा आप लोगों को, अच्छा 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 ये है एंट्री गेट और टेंपल के लिए इधर से जाना होगा, बाइक ले लें पैदल ही चलें। तो अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं पैदल ही पैदल, ज़्यादा से ज़्यादा 70 कदम की दूरी है और सुबह का टाइम है तो जितना ज़्यादा आपको लाइट नहीं मिल रही होगी। मैंने चप्पल उप्पल पहने उसके ताकि बार बार उतारना ना पड़े वहाँ पर। तो ये यहाँ की मार्केट है और ये ऊपर मंदिर है, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। चलिए मेरे पीछे आप एक देख रहे हो शिखर देख रहे हो मंदिर का, ये ही है विंध्यवासिनी देवी का टेंपल माँ विंध्यवासिनी का, ये है ये देख सकते हो ये वाला, ये गाइस मैं इस टाइम माँ विंध्यवासिनी टेम्पल पर और दर्शन हो गए हैं। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो यही है मेन शिखर दोनों, चलिए चलते हैं यहाँ पे। और 6:30 हो रहा है, बारिश की पॉसिबिलिटी 90% है वेदर फोरकास्ट के हिसाब से, अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी आपको कालीखो टेम्पल भी दिखा सकते हैं अगर टाइम मिला तो, चलिए मिलते हैं आपके रास्ते।
लोग अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ माँ लिखते हैं ऐसे। ज़्यादा शोर था तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, तो चलिए चलते हैं होटल पर और पैक करते हैं सामान और निकलते हैं कहीं और। तो अभी जा रहे हैं होटल पर और यहाँ बहुत सारे लाइन से होटल हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो ऑनलाइन वो बुक नहीं होते हैं, सारे ऑफलाइन हैं। जब भी आप यहाँ आएँ तो आप यहाँ के डायरेक्ट रूम ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक ना करें, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन नहीं दिखेंगे ये होटल।